भारतवर्ष की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी करने जा रही है जी और धमाका। जी हाँ, लेके आने वाली है एक ऐसी गाड़ी जो ऑलरेडी कितने ही सालों से हमारे दिलों पे राज कर रही है जी। एक कॉम्पैक्ट गाड़ी होने के साथ साथ ये एक कंप्लीट रोल निभाती थी एक फैमिली मेंबर का, क्योंकि जिसने बंदे ने भी ये गाड़ी ली, जिसने भी अपने घर में ये गाड़ी रखी, ये गाड़ी कम से कम तो 10 साल एज ए फैमिली मेंबर उस फैमिली का पार्ट बन के रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी आप सबकी फेवरेट, हमारी फेवरेट वैगनार की। वैगनार जब से इस मार्केट में आई है भाई, तब से धमाल मचा रखा है। एक अलग ही सेगमेंट है उसका, वो क्या पता नहीं क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी है, माइक्रो एसयूवी है, वो हैचबैक है, पता नहीं कौन सा सेगमेंट है। बस इतना पता है कि बहुत ही इंप्रेसिव गाड़ी है। जिसने भी खरीदी है भाई, बेचने का नाम नहीं लेते। कितने कितने साल तक चल रही है, अभी कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास फर्स्ट जनरेशन वैगनार है, वो अभी तक उस गाड़ी को यूज करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अब वैगनार आने जा रही है जी 2024 के नए अवतार में। एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा, एक फ्यूचरिस्टिक फीचर्स होगी, टोटली सेफ्टी गाड़ी के साथ इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, नए ABS, नए सेफ्टी फीचर के साथ लॉन्च होने वाली है। वैसे तो ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी किसी और नाम के साथ लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऐसे बड़े देशों में ये गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एक अलग नाम के साथ, लेकिन इंडिया से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ लॉन्च हुई है, ज्यादा फीचर के साथ लॉन्च हुई है। और एक नया हार्ड टेक प्लेटफॉर्म जो रिसेंटली मारुति ने इंडिया में लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनके ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जी। वहां की जो फीचर लिस्ट है बहुत लंबी है, इंडिया में क्या आएगा वो मैं आपको गाड़ी के बारे में सारा कुछ वीडियो में बता दूंगा जी। वेलकम बैक टू द चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं अभी बताने वाला हूं। जी हां, इसकी जो एंट्री है बड़े लंबे समय से पेंडिंग थी, क्योंकि जब से ये गाड़ी आई है एक इतना बड़ा मेकओवर या नई जनरेशन में ये लॉन्च नहीं हुई है। ये जिनेवा मोटर शो में एक बार हमने देखी थी, उसके बाद ये इंडिया में तो लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया इंजन जो है इसमें आने वाला है जी मारुति सुजुकी का। आपको पता है एक ऐसा इंजन आने वाला है जो ऑलरेडी वेरी फेमस है इंडिया में, स्विफ्ट में आता है जी। एवरेज आपको पता है कितने की देते हैं, 1.2 लीटर के सीरीज का इंजन इसमें आएगा। लेकिन जो वैगनार में आने वाला है जी पेट्रोल वाला, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, जिसकी फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी होगी कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जी हाँ, 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की इसकी फ्यूल एवरेज होने वाली है, जो जनरेट करेगा ये इंजन 82 BHP एंड 109 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जी हाँ, इसमें ट्रांसमिशन जो आपको मिलने वाला है, पहले मिलता था AMT, अब मिलेगा आपको CVT। जी हाँ, इसमें CVT इंट्रोड्यूस कर सकती है मारुति सुजुकी। 5-speed मैनुअल और 5-speed ऑटोमेटिक में ये गाड़ी मिलेगी। ये मीडिया में ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रही है गाड़ी, अगर आपने वीडियो देखी होगी बहुत से चैनलों पे ये ट्रेंडिंग में चल रही। फ्रंट लुक आप देख लो, एक नया बम्पर इन्होंने दिया है, बहुत ही बढ़िया। इसका जो मुकाबला है वो किसी गाड़ी के साथ नहीं है। कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं टाटा पंच के साथ, लेकिन नहीं भाई, वैगन आर जो है कुछ और ही चीज है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिलने वाली हैं जी, DRLs आपको मिलने वाले हैं, फॉग लैंप आपको मिलने वाले हैं, सामने फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे, एक 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको मिल जाएगा। सामने से देखने में गाड़ी बॉक्सी डिजाइन में दिखाई दे रही है, पहले से ही ये बॉक्सी में लॉन्च हुई थी, वही एक अवतार में अभी तक चल रही है। लेकिन ये वाला बॉक्सी जो अवतार है ये मुझे तो बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 8 नए कलर में आने वाली है, बहुत से आपके फेवरेट कलर जो है इसमें लॉन्च हो गए, तो अपना फेवरेट कलर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं फॉर योर फ्यूचर कार। जी हाँ, बंपर तो बहुत स्पॉटी दिख रहा है भाई, बाहर से बहुत बढ़िया 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे। और भाई, जब मारुति को टीम का डब्बा कहने वालों का अभी मुंह बंद करने वाला हूं मैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी लिस्ट है, सेफ्टी फीचर लिस्ट है, वो बहुत लंबी होने वाली है जी। जी हाँ, डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिलने वाले हैं जी। उसके अलावा ये टोटली फीचर लोडेड होगी, इसमें डैशबोर्ड जो है आपको ब्रांड न्यू डैशबोर्ड मिलने वाला है जी, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलेंगे। उसके अलावा इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो ऑलरेडी आपने बलिनो वगैरह या और गाड़ियों में देखा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा। जो सीट्स होंगी बहुत कंफर्टेबल होंगी, ये नई सीट्स आ रही है जो मारुति की, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, नई टेक्नोलॉजी के साथ बनी है। इनमें जो फॉर्म डाला गया है बहुत ही हाई क्वालिटी का फॉर्म है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको
लेदर सीट्स इसमें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा पावर विंडोज आपको मिलेंगी। इसके जो आउटसाइड ORBMs वगैरह होंगे वो भी पावर होंगे। इनसाइड वाला जो है वो आपको मैनुअली मिलना है। इस गाड़ी में पूरी में आपको LED लाइट्स मिलेंगी। कहीं भी आपको किसी तरह का कोई हैलोजन बल्ब नहीं मिलेगा। मैं टॉप मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म जो मारुति ने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली उसे कहते हैं कि हार्ड टैक प्लेटफॉर्म। अगर आपने मेरी फ्रोनॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे होगी, आई बटन पे भी आ रही होगी, तो फ्रोनॉक्स वाली वीडियो देख लेना। उसमें हार्ड टैक प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, वो आप वहां से भी देख सकते हो और उसकी पूरी वीडियो एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ, हार्ड टैक प्लेटफॉर्म पे ये बन के गाड़ी आएगी। और इसमें जो स्टेनलेस स्टील यूज होती है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत तगड़े तगड़े इम्पैक्ट जो है वो ये गाड़ी झेल सकती है। और इसकी जो NCAP रेटिंग आएगी हिला के रख देगी। फर्स्ट गाड़ी हो सकती है जो 5-star रेटिंग को क्लेम करके आए वहां से, तो इतनी बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। कंफर्टेबल गाड़ी करने के लिए इन्होंने एक नया सस्पेंशन सिस्टम इसमें लगाया है जी। नया म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, अभी तक जो मारुति जो म्यूजिक सिस्टम लगाती थी वो डिसेंट क्वालिटी के होते, लेकिन इसमें हार्मन गार्डन के आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसमें देखने को मिल सकता है। ये पहले से बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें बूट स्पेस, लेग रूम, सब कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, क्योंकि ये टोटली नए अवतार में आने वाली है। और मारुति ऑलरेडी अपने कस्टमर की बात सुनने लगी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत लोगों ने इनकी कंप्लेंट की कि बिल्ड क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, जो गाड़ियां नई आ रही हैं उनका डिजाइन अच्छा नहीं है। स्विफ्ट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टो को तो इन्होंने शक्ल ही बिगाड़ दिया। अल्टो फेवरेट गाड़ी रही है इंडियंस की, लेकिन अब नए नए फ्यूचरिस्टिक जो डिजाइन अल्टो के निकाले हैं वो इतने लोगों को पसंद नहीं आ रहे। इसकी प्री बुक जो है वो भुकाल मचा देगा भाई। जिस दिन प्री बुक इसकी स्टार्टिंग हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ही इसकी 50,000 विद इन 1 month बुकिंग्स जो है वो हो जाएंगी, क्योंकि ये एक फैमिली मेंबर की तरह गाड़ी रही है लोगों के पास। और नया अवतार जो है वो लोग डेफिनेटली इसको खरीदेंगे। ये नो मोर टीन का डब्बा, इसको आप टैंक का डब्बा नहीं कह सकते। हार्ड टैक प्लेटफॉर्म पे बनेगी और बहुत ही बढ़िया स्टेनलेस स्टील इसमें यूज होगी। अब बात करते हैं जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक नया डैशबोर्ड आपको कंप्लीटली नया डैशबोर्ड मिलने वाला है। स्टेयरिंग कंफर्टेबल होगा आपको, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आपको मिलेगा, इसमें प्रीमियम सीट्स मिलने वाले। अब बात करते हैं जी इसकी सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स में आपको क्रूज कंट्रोल मिल सकता है जी। इसमें एयर बैग, आपको 4 एयर बैग तो स्टैंडर्ड मिलेंगे, लेकिन जो टॉप मॉडल्स होंगे उसमें होंगे जी 6। जी हाँ, कॉर्नर वाले जो साइड कर्टन एयर बैग जिनको बोलते हैं वो एयर बैग आपको मिलेंगे। EBD आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, ABS आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। इसमें कॉर्नर ABS भी शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी मारुति। जो फ्रंट होंगी वो डिस्क ब्रेक्स होंगी, जो रियर होंगी वो ड्रम ब्रेक्स होंगी। हालांकि मैं मारुति से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ड्रम ब्रेक्स का जमाना जो है वो चला गया, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वो ड्रम्स के बीच में पानी चला जाता है, डस्ट चली जाती है, और उनका लेदर चेंज करने का भाई सिस्टम बहुत लंबा है। अगर आप कभी अपनी गाड़ी ठीक करवाने गए हो, आपने रियल वाले लेदर चेंज करवाए, आपको पता है कि वो ड्रम को निकालने के लिए कितना हथौड़ा मार पिटाई पूरी चलती है, कितना टाइम लगता है उसमें। उधर दूसरी साइड अगर आपने डिस्क वगैरह चेंज करनी है तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं डिस्क निकाल के, नई डिस्क डाल दो। पहले डिस्क महंगी होती थी, लेकिन जब से मेड इन इंडिया वाला काम चला है जी भाई, अब तो बहुत सस्ती है। तो ये आउटडेटेड जो ब्रेकिंग सिस्टम है, मारुति शुड गेट रेड ऑफ इट। तो नया सिस्टम जो है वो ही लगाना चाहिए ब्रेक्स है। इम्प्रूव ब्रेक्स होनी चाहिए गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी हैवी बन के आएगी पीछे से ही, और भाई नई ब्रेक्स तो चाहिए इसमें, अच्छी वाली ब्रेक। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। इसमें न्यू इम्प्रूव जो है वो हैंड ब्रेक आपको मिल सकती है। म्यूजिक सिस्टम मैंने बता दिया कि हार्मन कार्डन का आपको म्यूजिक सिस्टम में मिल सकता है। LED फॉग लैंप्स मिलने वाली हैं। जो अपर मॉडल्स होंगे वो उसमें सनरूफ इसमें आ सकता है। जी हाँ, पैनोरामिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक छोटा सनरूफ इसमें मारुति सुजुकी इंट्रोड्यूस कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सनरूफ को भाई सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी जो है ये यंग जनरेशन को ही नहीं सबको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फीचर्स होंगी। अभी पहले कहा जाता था कि भाई वैगनार वो ही लेते हैं जो सिंसियर बंदे होते हैं, या मतलब 40+ बंदे ही वैगनार वगैरह चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आएगी, इसको हर एक बंदा चला सकता है, हर एक बंदा ले सकता है। भाई वैगनार चला के तो कुछ लोग मुख्यमंत्री बन गए। कौन बनाए मुख्यमंत्री, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिनके पास वैगनार थी। भाई अभी तक वैगनार में ही घूमते हैं बंदे। और अपना फेवरेट कलर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई अपना नाम और सिटी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बूट स्पेस इसमें बहुत बढ़िया बूट स्पेस होने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, नई वैगनार देखने में कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा जी। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
देना मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अपने फ्रेंड्स को, या मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं इस वीडियो का ताकि लोगों तक ये पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सबके लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी कर रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।